क्या तुम्हें हमले के बारे में कोई सुराग मिला है यानिस? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं बाबा। मुझे कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए तुमसे। हमारा ख्याल है कि आपको यानिस को इस मामले में थोड़ा और वक्त देना चाहिए। आखिरकार ये कोई छोटा मसला नहीं है। मोहतरम दिकफूर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिपा सलार की हैसियत से तहकीकात में सूबेदार यानिस की मदद करना चाहूंगा। अगर तुमने अपने फरज ठीक से अंजाम दिए होते तो अल्प अरसलान कलेक के दरवाजे पर ही मर जाता, कोई जरूरत नहीं। अल्प अरसलान कोई आम आदमी नहीं है यानिस। तुम नए मसाइल पैदा करने की बजाय मौजूदा मसले को हल करने के बारे में सोचो। इस मसले की जिम्मेदारी सिर्फ यानिस के कंधों पर क्यों है चचा? ये सिर्फ यानिस के कंधों पर नहीं बल्कि हम सब पर है युदोकिया। जब हमारे मुकद्दस शहंशाह हमसे वायदा टूटने के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल में फिलहाल ये जरूरी नहीं है कि शहंशाह को इस मामले से आगाह किया जाए। मोहतरम तकफूर, वस्पुरकान में जाने वाली गुलामों की बग्घियां शिवाल में जंगल से गुजरेंगी। उनमें से एक बग्घी के जरिए गुलामों के भेष में हम शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हम बिना नजरों में आए यानिस को कैसे पकड़ेंगे सरदार? शहर में दाखिल होते ही वो काम के लिए खेतों में ले जाने के लिए हमें इंतजार करवाएंगे। वहां से मंदरूनी हिस्से में दाखिल होंगे राहिबों के भेष में और यानिस को पकड़ लेंगे। एक बार जब वो सुल्तान के सामने तोते की तरह टैटें करने लगेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्प अरसलान ने हर पहलू का बखूबी जायजा लिया है, अंदाजा हो रहा है। कोशिश करना कबीले से निकलते हुए तुम्हें कोई ना देखे। रियासत की सलामती के लिए छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं। गुलामों की बग्घियों तक पहुंचने के लिए सुबह सवेरे हम यहां से रवाना हो जाएंगे। जो आपका हुक्म सरदार। और क्या चीज है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, बताओ मुझे बेटी। बाबा। क्या कहा तुमने प्यारी बेटी? बाबा कहा आपको मैंने। अगर बाबा होते तो वो भी आपकी तरह मेरे दुखों का मदावा करते। मदद फरमा अपने दिल पर काबू रखने में। मुझे दिल पर काबू अता फरमा अल्लाह, ताकि मैं अपने रास्ते से ना भटकूं।